Namaste and welcome back to our YouTube channel. I am Sakshi Jain and in today's video I am going to talk about MS and MD program of Pacific Institute of Medical Sciences Udaipur. क्योंकि अभी नीट पीजी 2022 की काउंसलिंग जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है तो हम पीजी कोर्सेज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ एमएस और एमडी प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कि क्या सीट मैट्रिक्स है इस कॉलेज में, कौन सी स्पेशलाइजेशन में एमएस और एमडी ऑफर होता है, कितनी फीस है और ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन. तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा. बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नॉट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल. तो बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करें तो एस्टैब्लिश हुआ था ईयर 2014 में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है. एक्रेडिटेशन की बात करें तो ये एक्रेडिटेड है एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से. अब आते हैं हम कोर्सेज और फी स्ट्रक्चर पे कि कौन कौन से कोर्सेज में ये एमडी और एमएस ऑफर करता है या कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में एमडी और एमएस ऑफर करता है. तो ये ऑफर करता है एमडी एनेस्थियोलॉजी में, देन जनरल सर्जरी में ये एमएस ऑफर करता है, देन ये जनरल मेडिसिन ऑर्थोपेडिक्स, देन रेडियो डायग्नोसिस / रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, देन ईएनटी, डर्मेटोलॉजी, वेनोलॉजी एंड लेपोसी में ये ऑफर करता है. और ऐसे कई कोर्सेज जो हैं कंप्लीट कोर्सेज की लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं. अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो सीट मैट्रिक्स भी जो है स्पेशलाइजेशन वाइज डिफर करता है. जैसे कि एमडी एनेस्थियोलॉजी में जो सीट्स हैं वो हैं 12, देन जनरल सर्जरी में सीट्स हैं 10, देन ऑर्थोपेडिक्स में है 6 सीट्स, जनरल मेडिसिन में भी 10 सीट्स हैं, देन पैथोलॉजी में 4 सीट्स है, पीडियाट्रिक्स में 3 सीट्स हैं. और कंप्लीट सीट मैट्रिक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और पॉज करके आप नोट कर सकते हैं कि आपकी स्पेशलाइजेशन में जिनमें आपको जाना है उसमें कितनी डिजायर्ड सीट्स हैं. अब हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की. तो अगर हम फी स्ट्रक्चर को देखें तो हर स्पेशलाइजेशन वाइज जो फी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है. तो जैसे अगर हम एमडी एनेस्थियोलॉजी की बात करें तो अलग अलग फी स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग आपको फीस भरनी होगी. जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, कॉशन मनी की फीस आपको देनी पड़ेगी, वो वन टाइम फी रहेगी जो कि रहेगी 2.5 लाख रुपए यानी कि 2,50,000 रुपीज़. देन एडमिशन फीस होगी 25,000, लाइब्रेरी फीस, इन सबको मिला के आपकी टोटल फीस बनेगी. ट्यूशन फीस जो है वो हर साल कैलकुलेट होगी. कॉशन मनी जो है वो रिफंडेबल होती है. मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ, कॉशन मनी जो है इस कॉलेज की किसी भी कोर्स के लिए वो रिफंडेबल होगी. तो आप कितने भी भरें जब आप पास आउट हो जाएंगे वो रिफंड हो जाएगी. उसके अलावा एडमिशन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी और जो अदर फीस हैं ये वन टाइम फीस हैं. उसके बाद अगर हम फिफ्थ पोर्शन की बात करें जो है ट्यूशन फीस, तो वो पर एनम की रहेगी. तो अगर हम बात करें एमडी एनेस्थीसिया की तो कॉशन मनी है 2,50,000 रुपीज़, एडमिशन फीस 25,000 रुपीज़, देन लाइब्रेरी फीस 1,50,000 रुपीज़, अदर फीस होगी आपकी 80,500 और ट्यूशन फीस जो आपकी रहेगी वो रहेगी 15 लाख रुपीज़ पर एनम, यानी कि ये रिपीटिंग फीस है. और ये गवर्नमेंट सीट की बात कर रही हूँ मैं, यानी कि जो नॉर्मल सीट होती है. मैनेजमेंट कोटा की बात नहीं की है मैंने. मैनेजमेंट कोटा की जब अगर बात करेंगे तो जो फीस रहेगी वो आपकी कॉशन मनी और ये सारी फीस तो नॉर्मल रहेंगी, बट ट्यूशन फीस बढ़ जाएगी. जनरल मेडिसिन के लिए देखें तो वही कॉशन मनी सेम है, एडमिशन फीस, लाइब्रेरी फीस और सब सेम है, अदर चार्जेस भी सेम है, पर जो ट्यूशन फीस रहेगी पर एनम की वो रहेगी 52 लाख रुपीज़. ठीक है, यही अगर हम मैनेजमेंट सीट की बात करें तो मैनेजमेंट सीट्स की सेम ब्रांच के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 65 लाख रुपीज़. देन एमडी पीडियाट्रिक्स की बात करें तो ट्यूशन फीस 52 लाख रुपीज़ है, बाकी कॉशन मनी, लाइब्रेरी फीस सबकी सेम है, बस ट्यूशन फीस डिफर कर रही है. मैनेजमेंट सीट की बात करें तो उसकी ट्यूशन फीस 65 लाख रुपीज़ पड़ेगी. अगर हम एमडी पैथोलॉजी की बात करें तो उसकी जो ट्यूशन फीस है वो रहेगी 11 लाख रुपीज़ पर ईयर. देन एमडी साइकाइट्री में जो ट्यूशन फीस रहेगी वो रहेगी 33 लाख रुपीज़ पर ईयर. देन रेडियो डायग्नोसिस रेडियोलॉजी में रहेगी 70 लाख रुपीज़ पर ईयर. और मैनेजमेंट सीट्स की बात करें तो मैनेजमेंट की फीस रहेगी 80 लाख रुपीज़ पर ईयर. और ऐसे सारी स्पेशलाइजेशन की कितनी फीस रहेगी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कि आपकी डिजायर्ड स्पेशलाइजेशन में क्या फीस रहेगी. तो आज मैंने आपको पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उदयपुर के एमडी और एमएस प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, उनकी स्पेशलाइजेशन के बारे में, सीट मैट्रिक्स के बारे में और उसके फी स्ट्रक्चर के बारे में. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहूंगी, तो हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को. थैंक यू.